एक था टाइगर. एनीवे हम लोग सब इस बात पर रहते एक था टाइगर. वो आपने वो चूहे वाला लतीफा सुना था. एक शादी में एक शेर बहुत डांस कर रहा था, एक चूहा बहुत डांस कर रहा था. तो एक शेर उसके पास गया, खेलने का बात सुनो, हाथी की शादी है, तुम डांस क्यों कर रहे हो? हाँ. ना शादियों पर डांस करना चाहिए बादशाह. बाद में कहले नहीं नहीं लेकिन शादी तो आती है, तुम डांस क्यों कर रहे हो? कहला कुछ नहीं, बस ऐसे ही डांस कर रहा हूँ. कहले बेटा शादी से पहले मैं भी शेर था. अरे जितने जोक्स हैं सब ऐसे ही हैं. नहीं नहीं के लिए कोई जोक नहीं. मैं बता, मैं सुना देता हूँ आपको, अभी सुना देता हूँ. वो कौन सी चौरंगी है जो आपको बीवी की याद दिलाती है? सुना. नागन चौरंगी. बेगमार्क का जोक है. हमीन पाकिस्तान में कराची में नागन चौरंगी है. ऑटोमेटिकली जैसे आप बीवी का सोचते हैं नागन चौरंगी याद आ जाती है. तुम मर्दों पे ही ना. क्या मतलब मर्दों का यार, ये कितनी बड़ी बात है. हमेशा औरतें कंप्लेन करती है कि मर्द याद नहीं रखते. अरे जितना मर्द बीवी को याद रखता है किसी चीज को याद नहीं रखता. बीवी के अलावा कोई चीज याद ही नहीं रहती उसको. और ना वो आपने बीवी का जोर. एक मिनट वो सुनील शेट्टी का डायलॉग नहीं था धड़कन में, कहता है तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता. तो इसी एक डायलॉग की वजह से फिल्म हिट थी. इसी एक डायलॉग की वजह से फिल्म हिट थी. अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आजकल इन दिनों गर्मी भी हो रही है, फिर बारिशें भी हैं और पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो क्या किया क्या जाना चाहिए? मौसम तो वाकई बहुत खराब है. इट्स वेरी ह्यूमिड, स्पेशली लाहौर में तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत गंदा मौसम है. और ऐसे मौसम में स्किन की केयर ज्यादा करनी चाहिए. वही जो मैं हर वक्त कहती हूँ कि 3 स्टेप्स करने चाहिए आपको. क्लेंस करना चाहिए, टोन करना चाहिए, मॉइस्चराइज करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी का इनटेक होना चाहिए. पानी का इंटेक, मोर वाटर. कल तो इतना इंटेक था कराची में पागल हो गए थे हम सब. बहुत ही पानी का इंटेक था. हम लोग मैंने 10 मिनट का रास्ता जो था वो 2.5 घंटे में तय किया था. एंड लिटरली व्हाट हैपेंड, एक बुजुर्ग जो थे उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई. तो वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए. माय गॉड, बहुत दूर. लिसन टू व्हाट हैपेंड, नो वन केम टू रेस्क्यू. व्हाट? उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ के खड़ा, तो शर्म नहीं आंदी, तुसी इस तरह के लोकी ने, तुसी इस तरह के लोकी ने, तुहाडा ईमान खराब हो गया है. मैं इतने डिग पाया, मैनू कोई चुक नहीं रहा. बहुत बहुत सारी बात है. बट यू नो इट वॉज अ वेरी बैड डे. यस्टरडे वॉज हॉरिबल इन कराची. Horrible. It's always when it rains. हाँ, whenever it rains. हम पानी तभी देखते हैं ना, वैसे तो आता नहीं है. नलके वलकों में तो अक्सर हवाई आती है. आप गौर से देखते रहते, अब आएगा पानी नहीं आता, टैंकर आ जाता है. जब टैंकर आता है तो पानी आता है. I'm telling you, this is सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा था जब मैं लाहौर जा रही थी और मेरी जो बेटी छोटी वाली वो शी वॉज क्रैम्प के अंदर. यकीन करो वो जो एयरपोर्ट के रास्ते में पूरा खड्डे का जो था वहां पे पानी था. एंड वी वर ऑन द ब्रिज. अच्छा, वी कुड नॉट गो बैक. हम गाड़ी में मैं 5 घंटे बैठी रही. अब उसका कुछ खाने को भी नहीं था, उसका दूध दे दिया, उसके बिस्किट नहीं, कुछ नहीं. मैं कहा चलो पहुंच जाएंगे वहां पे. इट वॉज लाइक दैट, ना आप जा सकते हैं ना आगे वाले पीछे. इट मैं वो जिंदगी ऐसा लगता है पार्टीशन का वक्त है. मैंने पहनी थी, मैंने हील्स उतारी, मैंने उसको प्रैम में लिया, और मेरी वालदा और मेरी दूसरी जो बड़ी बेटी वो, एंड एक और मेरे साथ में हस्बैंड की पुप्पी, हम लोग पैदल चले. मैं कहां से एयरपोर्ट का जो ब्रिज है ना वहां से लेके मैं ऑलमोस्ट एंडिंग शहीद मिल्लत, ये वाला आपका जो पेट्रोल पंप है लास्ट जहां पे वो आपका कारसाज वाला जो मतलब आई वॉक फॉर 2 आवर्स. पानी इतना था, लोग सब बाहर बैठे हुए थे, ब्लैकआउट हुआ हुआ था, और उसमें करंट्स भी हो सकते थे, वायर टूटे हुए थे लिटरली. एंड व्हेन अब मैंने कहा मैं गई, मतलब आफ्टर वॉकिंग फॉर 2 आवर्स फिर मैं गई शेल पेट्रोल पंप पे. वहां पे साहिर ये आलम था, सारे मर्द, और वो कह रहे थे जैसे लूट मारी होती, ये बिस्किट ये चीज, वो
एंड लिटरली मैंने भी कोनिया मार के, बिकॉज मुझे बच्चों को देना था ना, तो करके मैं अंदर घुस, आई वॉज द ओनली फीमेल. और मैं कह रही पैसे कितने, पैसे कोई नहीं, मैंने पैसे लिए, मैंने उठा के फेंके के ले लो पैसे. इट वॉज लाइक दैट. वो मैं जिंदगी, मतलब माई मदर वॉज सेइंग कि लग रहा है कि बिल्कुल पार्टीशन का वक्त है, बिकॉज के इवैक्यूएट करना है आपने सिटी, लोग अटके हुए हैं. और उसके बाद कोई 5 घंटे बाद जाके फिर रास्ता खोला. साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा मैं भूल में पानी आ गया था, बेस में अल्लाह ना करे, मैं मतलब के आप करंट लग सकता था, खड्डा हो सकता था, इतना पानी. और बस वॉकिंग, यू नो, वो स्ट्रेंथ वो था ना कि बच्चे को करना है, क्या करूँ मैं, रो रही है. मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. जो हम अभी इतनी बातें कर रहे हैं यौम दिफा के मौके पर, तो वो हमें कर नहीं सकते थे, बिकॉज कोई अंदर आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, बड़ी मुश्किल से हुआ. लेकिन बता रहे कि घोड़ा गिर गया सड़क पे, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, या एक बच्चा पानी में फंसा हुआ है. आई मीन वी नीड टू, ये हमें जगाने की जरूरत है अपने अंदर. ये सारा एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग आ जाते हैं. लेकिन yesterday आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उसके बाद मैं भी निकला, दूसरे और लोग भी निकले, हम लोग बहुत दूर थे. बट ऑनेस्टली yesterday आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि यार हर आदमी को जल्दी है, बट एट द सेम टाइम. और फिर मैं एक और बात पर बड़ा डिसअपॉइंटेड होता फील करता हूँ, जब बसेस होती हैं कराची के अंदर, उसके अंदर ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं लोग. अच्छा, वहां पर मैंने बुजुर्गों को बैठे हुए देखा. अगर आप, मतलब अगर आप यंग हैं थोड़े से, तो चलें आप उनको जगह दे दीजिए, अंदर बैठने दें उनको, खुद आप ऊपर चढ़ जाएं. अव्वल तो ऊपर चढ़ना गलत है. मैं सिटी गवर्नमेंट से कहता हूं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं, इल्तमास करता हूं, यहां इस शहर में और हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको प्लीज टेक केयर कीजिए इससे पहले कि हम बहुत लेट हो जाए. बिकॉज आबादी मुसलसल बढ़ रही है और ये प्रॉब्लम जो है बहुत जारी और सारी है. सो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको कंक्लूड करते हैं. कुछ बहुत खास सी बातें हैं जो पूछनी रह गई थी, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा.